मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि ना देने से शिक्षक को दी नौकरी से निकालने की धमकी। यहां सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन पर कार्यरत एक शिक्षक कृष्ण गोपाल जोगी ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि देने के लिए 8 दिन की तनख्वाह मांगी है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब मैंने मना किया तो प्रबंधन ने नौकरी से निकालने की धमकी दी है। जब इस मामले की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची तो स्कूल प्रबंधन पूरे मामले को दबाने में लग गया है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए देश पर आए संकट में सहयोग करने के लिए शिक्षकों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक का कहना है कि इस मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। गोपाल जोगी है, सेंट जोसेफ स्कूल में मैं जॉब करता था। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि मुख्यमंत्री राहत कोष में आपको पैसे जमा करना, 8 दिन की सैलरी। मैं जमा करने में असमर्थ था तो उन्होंने मुझे स्कूल से हटा दिया है और कहा कि आपको अपना रिजाइनिंग लेटर मुझे दें और आप स्कूल में आप जॉब नहीं कर सकते। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पैसे दे पाऊँ, कि मैं खुद परेशान हूँ। 17,000 रुपये महीने की उस पर EMI है, लोन भी है मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाऊँगा सर। किराए के मकान में रहता हूँ और सब है, सरकारी कोई मदद भी नहीं है, ना कूपन है। प्रिंसिपल का नाम है एंथोनी और मुझसे जिसने बोला है वो बास्टिन ब्रदर है, मेरे मैनेजर स्कूल के। अभी तो देखिए पिछले साल का भी फीस पूरा नहीं आ चुकी है, तो ये तंगा भी हमारा लोन से, हम लोग अभी टीचरों को भरने के लिए हम लोग ढूंढ रहे पैसा कहाँ कैसे। तो पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक का फीस जमा नहीं है भाई साहब, बहुत बच्चे अभी तो लास्ट दिसंबर अक्टूबर से भी बच्चे फीस जमा नहीं हुई, तो हम ये मार्च का तंगा देने के लिए भी बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ये इस तरह की कोई भी घटना मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर कोई ऐसी आती है तो उसकी जांच की जाएगी और इस आधार पर किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है और जांच करके उचित उसमें कार्रवाई की जाएगी।